Hi everyone, welcome back to iEnigma. This is Enigma. We are going to do Cancer for the rest of this month of November. देखते हैं क्या messages आप लोगों के लिए हैं. उसके बाद हम start करेंगे December reads and ये एक general reading है, so generally लीजिएगा. सारी चीज़ें हो सकता है ना match हो, but we are going to see personal readings or accurate readings के लिए one-on-one आप मुझे reach out कर सकते हो. And WhatsApp, Instagram, email पे और vibe prayers या spells के लिए भी reach out कर सकते हो. और भी चीज़ों के लिए जैसे मैनिफेस्टेशन क्रिस्टल्स, इंस्टाग्राम पे आप चेकआउट कर सकते हो. मंथली हॉरोस्कोप्स फ्री ऑफ कॉस्ट और क्लाइंट फीडबैक्स. और ट्यून इन रहने के लिए आप ज़रूर फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे और सब्सक्राइब करें चैनल को. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन माय इंग्लिश चैनल एंड स्कॉर्पियो चैनल इफ़ योर सन मून राइजिंग एंड वीनस साइन इन स्कॉर्पियो. अगर आप स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग या वीनस साइन हैं तो लिंक आपको नीचे मिलेगा. और अगर आपको किसी भी साइन की रीडिंग इंग्लिश में चाहिए तो आप मेरे इंग्लिश पेज पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, सो वॉच बाय योर सन फर्स्ट एंड देन वीनस राइजिंग एंड देन मून. ऑलराइट, कैंसर प्लीज, वन लास्ट शफल. कैंसर, अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, क्या आउटकम रहेगा, क्या क्लैरिटी चाहिए हमें, क्या एडवाइस रहेगी और भी बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है. ऑलराइट, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द सन, the nine of cups, the death and the world. Okay, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप लोगों के लिए हैं. आई फील लाइक आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको आपका प्यार जीतना था और जब उनको आपका प्यार मिल गया, जब उन्होंने आपको जीत लिया, अब उनको लगता है कि अब उनको आगे बढ़ना चाहिए या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए. आई फील लाइक ये पर्सन अभी हिट एंड ट्रायल चला रहे हैं अपना. सो इनके पास सिर्फ आप नहीं हो, इनके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हैं. कैंसर, टू बी ऑनेस्ट, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस एनर्जी भी है, वर्गो एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी भी है. ठीक है जी, सो व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज दैट कैंसर के आपके पर्सन ना आपको जगल कर रहे थे, लाइक वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ वाली एनर्जी थी और आपको उनसे प्यार हो गया, आपको पसंद आने लग गए और आपको इतने खुश हो गए आपके, हाँ चलो सब कुछ ठीक है, आई विल इंजॉय माय लाइफ, मेरी इनके साथ मैरिज होगी, मेरा रिलेशनशिप होगा, आई एम सो हैप्पी, यू नो आपकी विश पूरी हो गई. लेकिन जैसे ही आपने उनको दिखाया कि आई एम इन लव विद यू, कि मुझे प्यार हो गया आपसे, ये सब विश कम ट्रू हो गया, तो इनको ये लगा कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा, लाइक अब मैं बोर हो रही हूँ या हो रहा हूँ. ठीक है, अब आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मन नहीं है उनका अब. ठीक है, शायद उनको कोई और बेटर पर्सन मिल गए हैं जिनसे उनको ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है और उनको एक नया एक्साइटमेंट फील हो रहा है कि कुछ नया मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस करने के लिए कैसे चलता है, प्रोसेस क्या है. सो यहाँ पे मुझे लगता है आपके पर्सन एक ये साइकिल एंड करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ. अगर आपको लगता है आपके पर्सन बहुत ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी पसंद करें, कभी बात करें, कभी ब्लैकआउट हो गया, यू नो ऐसी अगर ऐसी हरकतें हैं आपके पर्सन की, तो यहाँ पे श्योरिटी इतनी मतलब काफ़ी हो जाती है कि ये पर्सन जो है इंटरेस्टेड है किसी और में या फिर सोच रहे हैं कि क्लोज करने के लिए चैप्टर, क्योंकि अब जो इनको चाहिए था वो मिल गया. सो एक तरह से इनको ईगो बूस्ट चाहिए था, अटेंशन चाहिए थी, वो आपने उनको पूरी दे दी. उसके बाद उनको ये लगा कि हाँ चल अब क्या रह गया, यू नो डिस्कवर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए. सो आई थिंक दिस इज द एंड. ठीक है, अगर आपका कनेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है बहुत अच्छा जा रहा है, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, सो आप तभी देखें अगर ये पर्सन ऑन एंड ऑफ हो रहा है और आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि अब क्या हो रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स सी आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है. कैंसर, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए. फोर ऑफ कप्स, देखिए यहां पे हमारे पास आंसर है. नाइन ऑफ सॉट्स, फाइव ऑफ कप्स, जजमेंट, टेन ऑफ पेंटिकल्स,
एट ऑफ कप्स, शायद आप दोनों के बीच में बात अभी नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हो रही है तो आपको कन्फ्यूजन है कि यार ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड क्यों हो गया है, मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, या फिर मुझे जब मुझे बात करनी होती है तब ये मुझे क्यों नहीं अप्रिशिएट करते, बात करते। इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, इनकी मैरिज तो नहीं होने वाली, इनको कोई और तो नहीं मिल गया, कोई मुझसे ज़्यादा सुंदर है, कोई मुझसे ज़्यादा बेटर तो नहीं है। सो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको रात भर जगा रही है, मुझे लग रहा है कैंसर, और आप परेशान हो रहे हो। आपको रिग्रेट भी है कि यार जो हुआ क्यों हुआ, देयर इज अ रिग्रेट इन योर हार्ट, इन योर माइंड। आई फील आप सोचते हो कि शायद मेरी कोई गलती रही होगी। अब आप अपने ऊपर ब्लेम ले रहे हो कि शायद मैंने पता नहीं कोई ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से ये सब हुआ, या मेरे से कोई गलती हो गई, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, सेल्फ ब्लेमिंग चल रही है, आप गिल्ट ट्रिप में जा रहे हो। ट्रूथ इज कि अगर आप इस फीलिंग में हो तो साइकिल एंड होने जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या था, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो आप डेफिनेटली एक नया रिलेशनशिप तो आ रहा ही है 101%, और मैरिज भी होने वाली है आपकी, लेकिन ये पर्सन अगर आपके साथ ऑन एंड ऑफ है तो समझ जाओ कि यहाँ पे फुल स्टॉप आने वाला है, कि देयर इज नो पॉइंट। एंड आपको ना एक फीलिंग रिजेक्शन वाली दे रहे हैं ये, एक टाइम पे उन्होंने आपको बहुत प्यार दिया था, एक टाइम पे उनको ऐसा लगता था कि आप ही सब कुछ हो, आप उनके ड्रीम कम ट्रू हो, आप बहुत प्यारे हो, ये हो वो हो, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार कि ये जो पर्सन मैंने पहले देखे थे ये अब वही हैं या ये अब बदल गए हैं, ठीक है। सो आपके अंदर ये एनर्जी आ रही है, ऑलराइट। सो आप सोच रहे हो कि ये कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी भी वेट कर रहे हो कि पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, आपसे मैरिज की बात करेंगे, कमिटमेंट की बात करेंगे, आपको कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आप दोबारा से खुश हो जाओगे। सो इस तरह की कुछ बातें आपके माइंड में चल रही हैं, ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब, क्यों छोड़ दिया इन्होंने मुझे, बहुत ऐसी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। नाउ आई एम नॉट क्लियर कि क्या रिग्रेट है, क्या गिल्ट है, बट डेफिनेटली आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ब्लेम आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से होना चाहिए। न्यू लव, जैसे कि मैंने आपको कहा, बॉटम ऑफ द डेक, थोड़ा टाइम लगेगा, एस ऑफ सॉल्स, आपकी लाइफ में न्यू ईयर के साथ एक न्यू लव आने वाले हैं। करंटली आप ये सोचते हो नहीं मुझे तो यही पर्सन चाहिए, बट ये पर्सन तो आपसे मैरिज के बाद भी प्यार नहीं करेंगे, अगर इन्होंने अभी आपको नहीं पूछा तो बाद में क्यों पूछेंगे, थिंक अबाउट दैट। Okay, so there's a new beginning, there's commitment coming, unrequited love situation. यहाँ पे क्या है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि इनसे मेरी मैरिज होगी, ये वो नहीं है, ठीक है। मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होंगी, देर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री, ज़्यादा नहीं है आपके बीच में केमिस्ट्री या अट्रैक्शन, सो देर इज नो पॉइंट, ठीक है। इस पर्सन के बारे में सोचने का कोई पॉइंट नहीं है, पर हम फिर भी देखेंगे कि पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, बट लेट्स सी सम अदर मैसेजेस। मैच्योर मैन, कुछ लोग यहाँ पे ओल्डर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है, आप ओल्डर हो सकते हो, लेकिन अगर आप दोनों का एज सेम है तो आपके पर्सन, आपके पापा, आपके फादर, उनको करंटली आपकी हेल्प चाहिए, इन अ वे कि वो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्थ की ज़्यादा केयर करें, क्योंकि आपके जो फादर हैं वो आपको लेकर कंसर्न है किसी चीज़ के बारे में, एंड वो चाहते हैं कि आप जो आपके फादर आपको बताना चाह रहे हैं आप उस पर गौर करें, ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सो कुछ आपके फादर का रोल हो सकता है, जिससे जिस बात को आप सुने वो आपकी लाइफ पूरे चेंज हो जाएगी उससे, ठीक है। सो लिसन टू योर फादर व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो पर्सन है जिनमें आप अभी इंटरेस्टेड हो, एवरी सैजिटेरियस लियो हो सकते हैं कुछ लोग के केस, मुझे लगता है आप खुद को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो कि यार मैंने ऐसा क्या किया, मेरे से गलती हो गई, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ सोच रहे हो। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का जो आपकी तरफ एक्शन है वो नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं ये पर्सन, और फिर उसके बाद हम देखेंगे आउटकम। किंग ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द नाइन ऑफ कप्स, द टावर, ओह माय गॉश, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो अब क्या है कि आपके जो पर्सन है ना, जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो,
आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, आपको ऐसे शो करेंगे कि आप सब कुछ उनके लिए, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको, प्यार देंगे आपको कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे बातें करेंगे। सो आपको लगेगा आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, आपको लगेगा यस यही मेरे पर्सन है। आप इतने खुश हो जाओगे ना, आपको बस ये रहेगा कि भाई अब सब ठीक हो गया है, ठीक है। सडनली जब ये पर्सन हट जाएंगे, या फिर सडनली जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे या फिर कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उस टाइम पे आपको अकेलापन फील होगा, ठीक है, और फील होगा कि यार अब फिर से वही साइकिल चल पड़ा, अब क्यों नहीं वो हो रहा कुछ, अब क्यों मुझे छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए। तो ये पर्सन शायद आपको ये दिखा रहे कि मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, पर इंटरेस्ट लेवल इतना है नहीं इनका कि वो आपके साथ रहे, ठीक है। सो द हर्मिट, सो आई फील लाइक के आपको लोनलीनेस फील होगी अगर ये पर्सन रीच आउट करेंगे, फिर उसके बाद जब आपको लोनलीनेस फील होगी, आपको बैक ऑफ मतलब एकदम से हट जाएंगे, ताकि आपको और ज़्यादा बुरा लगे और आप ऐसे फील करोगे आप लेफ्ट आउट, अलोन, ब्रोकन फील करोगे आप। सो इसलिए अपने आप को पहले से ही संभालो और अपनी खुशी जो है इन पर्सन के कंट्रोल में ना डालो, ठीक है। आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के लव का, द एम्प्रेस, द क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वांड्स, द हैंगमैन, द टू ऑफ वांड्स। आई फील लाइक कैंसर के आप ना कुछ बड़ा करने वाले हो, या तो आपकी मैरिज ऐसी जगह हो जाएगी जहां पे आपके पर्सन को लगेगा नहीं यार ये कैंसर तो बड़े लकी हैं कि इनकी मैरिज इधर हो गई, कि ये तो बहुत रिच हो गए, या फिर कुछ पता नहीं ऐसा उनको ऐसा, ये बहुत ज्यादा आपके पीछे पड़ जाएंगे एक टाइम के बाद जब आप इनको बैक ऑफ कर दोगे, जब आप इनको छोड़ दोगे, या फिर जब आप अपने लिए जीने लगोगे, अपने लिए सोचने लगोगे कि यार मेरे को मैरिज करनी है, मेरे को ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ रहना चाहता हो, जब अपनी सोच को बदल दोगे और अपने लिए जियोगे, उस टाइम पे आपके पर्सन आपको वापस पाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर तब तक इट विल बी टू लेट। आप नहीं है हाँ नहीं सुनोगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे इसको। तो कैंसर बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि मैरिज का प्रपोजल या मैरिज आने वाली है, और मैरिज का नाम सुनते ही मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको वापस यू नो कांटेक्ट करेंगे, पर तब तक आपका पूरा माइंड बदल चुका होगा, पूरा सक्सेस आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, या फिर किसी टाइप का सक्सेस आपको मिलेगा, उस वजह से आपके पार्टनर आपको वापस पाने की कोशिश करेंगे। बट ये डिसेप्टिव है, ये ऑनेस्ट नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे 25 की एज के हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, बट आई फील कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपका पार्टनर नहीं है और डिसीव कर रहा है। मुझे लगता है ये आपके मनी में, या फिर आपके जो पोजीशन हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की पोजीशन हो सकती है, उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं और उस चीज़ को यूज़ करके आपके अगेंस्ट भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा तो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलाओ। ये ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है, बट जिसने भी जिसके लिए भी ये रीडिंग बनी है आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, भूले मत, और कमेंट करके मुझे बताओ क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। आई वांट टू नो, ताकि मैं और आपकी वीडियोस बना सकूं और इंटरेस्ट के साथ। आई विल सी यू अगेन, बाय।